हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो प्रीवियस पार्ट में हम लोग ने गणेश जी और शिव जी का आउटलाइन किया था। शिव जी का हाफ ही आउटलाइन हुआ था क्योंकि प्रीवियस पार्ट में हम लोग पेज को भी रेडी किया था, तो उसमें बहुत टाइम लग गया था। और अभी जो बाकी का पार्ट है वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर लूँगा। और जो रेफरेंस पिक्चर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला आउटलाइन करने के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रखा हूँ, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा ड्राइंग किया हुआ पिक्चर का लिंक भी मैं दे दूँगा, आप आउटलाइन वाला पिक्चर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी देखो, जो शिव जी का जो नीचे का पोर्शन था, जो लेक था, वो मैं कर रहा हूँ। रेफरेंस पिक्चर को देखे कैसे ग्रिड से आपको आउटलाइन करना है वो तो मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो मेरे चैनल में जो ग्रिड ट्यूटोरियल वाला वीडियो अपलोड किया है वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखो, शिव जी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो शिव जी के नीचे जो नंदी जी है उसे हम लोग कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से ध्यान से आपको करना है, रेफरेंस पिक्चर को अच्छे से फॉलो करना है। देन उसके बाद आपको आउटलाइन करना है, कौन सा बॉक्स में कितना सा आउटलाइन है उसे आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। देन उन बॉक्स में आपको उतना ही आउटलाइन करना है। अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करके करेंगे तो आपका आउटलाइन बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, लेकिन एक बार में नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा कि ग्रिड से हम लोग आउटलाइन कैसे करते हैं। प्रैक्टिस करते करते ही आप लोग सीख जाएंगे। तो अभी देखो, नंदी जी भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो शिवलिंग है उसे मैं कर रहा हूँ, और उसे करने के साथ साथ जो ऊपर फ्लावर वगैरह है उसे भी हम लोग बहुत ही ध्यान से करेंगे। आउटलाइन की छोटे छोटे पार्ट भी हम लोग बहुत ही बखूबी से करेंगे, कोई भी हम लोग हड़बड़ी नहीं करेंगे। अगर आप इसी तरीके से इस बात को ध्यान रखते हुए आउटलाइन करेंगे तो आउटलाइन बहुत ही अच्छा होगा। और हाँ, इस पार्ट के बाद हम लोग इसे ऑयल पेस्टल से और कलर पेंसिल से कलर भी करने वाले हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बोलना कि आपको ये वाला आउटलाइन कैसा लग रहा है।